जनपद संभल की चंदौसी में सप्लीमेंट स्टोर का हुआ शुभारंभ। जनपद संभल की चंदौसी में आज खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सप्लीमेंट स्टोर का मुंसिफ रोड पर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बात करते हुए उद्घाटन करने वाले मुकेश गहलोत ने बताया कि युवाओं को अब आपके शहर में जेन्युइन सप्लीमेंट मिल सकेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में डाइट के साथ उचित सप्लीमेंट भी आवश्यक हैं। आपका? मेरा नाम मुकेश गहलोत है सर। आज आप भी यहाँ पे ओपनिंग के लिए आए, उद्घाटन किया, आपने रिबन काटा है, क्या कहेंगे इसमें? जी, एक तो मैं बताऊँ आपको, मोहित मेरे स्टूडेंट भी हैं, काफ़ी दिनों से मेरे से जुड़े हुए हैं, और ये अजय जी काफ़ी पुराने आपके एरिए में है, इनका ये पहले से काम भी है। तो आपके एरिए में जो सप्लीमेंट स्टोर की ओपनिंग मसल एलेक्जर के नाम से, तो एक तो बच्चों को यहाँ पे नए और जेन्युइन सप्लीमेंट्स मिलेंगे। आज आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स में डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स का भी रोल है आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में, तो अच्छी बात है आपके एरिया में एक अच्छा शॉप खुला है। एक मिनट होल्ड कर लीजिए। सर, नए युवा लोगों के लिए क्या कहेंगे, जिनकी दिनचर्या खराब है, जो लेट उठते हैं, लेट सोते हैं और अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, उनकी फिटनेस के बारे में आप कुछ बताएं? जी, युवाओं को मेरा मैसेज है कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आप गेम में हैं या नहीं भी हैं, एक्सरसाइज का अपना रूटीन बनाए, अच्छी हेल्दी डाइट लें, और साथ में अगर आप स्पोर्ट्स में तो साथ में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी बेनिफिट लें। आप यहाँ सप्लीमेंट का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि लड़कों को जो जेन्युइन सप्लीमेंट्स मिलने में या जेन्युइन सप्लीमेंट्स उनको लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब यहाँ पे कोई भी हमारा जो लोकल एरिया है चंदौसी, यहाँ पे लड़कों को बहुत ही, अगर जेन्युइन सप्लीमेंट्स मिल भी पाता है तो बहुत ही एक्सपेंसिव रेट्स पे मिलता है। इसी वजह से मैंने अपने जो भी मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, मैंने उनसे अपना इस चीज़ को राय लिया, जैसे कि मेरे गुरु जी हैं मुकेश सर, और मेरे ये दूसरे गुरु जी ये भी हैं अजय भैया, मैंने इनसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि आपको इसको इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें ये बेटर रहेगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं ये गलत जगह से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जो स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स है, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट हर एक के लिए, हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, इट डजंट मीन कि ये सिर्फ जिम वालों के लिए है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई सा भी स्पोर्ट हो, आपका कबड्डी हो, आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या जिम हो, इसमें उन लड़कों को जब दिक्कत होती है, हमें पता है कि हमारे यहाँ से काफ़ी लड़के अच्छे स्पोर्ट्स में निकल रहे हैं, उन लड़कों को दिक्कत होती है काफ़ी जेन्युइन सप्लीमेंट्स ले पाने में, इसी वजह से हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि हम अच्छा और ऑथेंटिक सप्लीमेंट उनको सर्व कर पाएंगे एक बेटर प्राइस पर। कभी कभी सप्लीमेंट लेने से हादसा हो जाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक दूसरा पहलू है सप्लीमेंट इंडस्ट्री का, वो उन लोगों के साथ होता है जो लड़के बिना गाइडेंस के, जो उनके जिम ट्रेनर्स हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, उनके बिना गाइडेंस के किसी भी पर्टिकुलर ये चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो कोई सप्लीमेंट हो या कुछ भी XYZ अपनी बॉडी बनाने के लिए। दूसरा, मैं इस चीज़ का बिल्कुल ही अपनी तरफ से एक उद्देश्य है ये मेरा कि किसी भी तरीके से कोई भी लड़का अच्छी बॉडी पाने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे, ना ही मेडिसिन का इस्तेमाल होना चाहिए। आप स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, वही सब कुछ है, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और जो लड़कों को दिक्कत हो जाती है, वो शायद वो कहीं से टेम्पर्ड प्रोडक्ट्स लेते होंगे, वो शायद फेक प्रोडक्ट्स लेते हैं।